तेलंगाना में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, वहीं से रोज की तरह अखिलेश ने शिवपाल को फोन किया। एक अहम बात पर उनका क्या मत है उस पर संजीदगी से बात हुई। फोन पर चाचा से भतीजे ने पूछा, वरुण गांधी को लेकर आपकी क्या राय है। शिवपाल ने वरुण को लेकर जो अपना पक्ष अखिलेश के सामने रखा, वही बात अब सबके सामने रख दी। बीजेपी के भागी वरुण गांधी को लेकर इन दोनों कयासों का बाजार गर्म है। उनका बीजेपी से मोहभंग होने और बीजेपी छोड़ने की चर्चाएं आम हैं, लेकिन सवाल ये है, वरुण गांधी के लिए किस पार्टी के दरवाजे खुले हैं? कौन सी पार्टी अपने साथ वरुण गांधी की सियासत का तालमेल करेगी? चर्चा अभी तो इस बात पर हो रही है। इसी में खबर ये है कि सपा के अंदर खाने से ये बात निकलकर सामने आ रही है। वरुण गांधी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा और सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव से तेलंगाना में जब वो थे उन्होंने फोन पर ही उनसे बात की है। अखिलेश ने शिवपाल से वरुण गांधी को लेकर शिवपाल यादव का पक्ष जानने की कोशिश की। फोन पर वरुण को लेकर हुई वही बात शिवपाल ने अब आम की है। माना जा रहा है कि वरुण गांधी की कांग्रेस में जाने की संभावनाएं राहुल गांधी के बयान के बाद करीब करीब बंद हो चुकी है। ऐसे में अब वरुण गांधी के सपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही है। वरुण गांधी के सपा में जाने के कयासों पर शिवपाल यादव से सवाल किया गया और शिवपाल ने जवाब कुछ इस तरह से दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो भी समाजवादी पार्टी के साथ आएगा हम उसका स्वागत है। अन्य सवालों का जवाब भले ही शिवपाल ने गोलमोल दिया या अखिलेश पर छोड़ दिया, लेकिन वरुण के सवाल पर दो टूक कहा कि बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए जो भी साथ आए उसका स्वागत है। शिवपाल के जवाब से यह स्पष्ट हो गया कि वरुण गांधी के लिए सपा के दरवाजे खुले हुए हैं। पिछले दिनों वरुण ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की थी। उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शायद थे, मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी। मैंने कहा, मान्यवर, इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन के माध्यम से मुझे जानकारी मिल जाए कि कितने लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जिले जिले भर में इस मानक के अंतर्गत आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा मन दिखा के सारे अधिकारियों को बोला कि भाई इसमें कोई राजनीति की बू नहीं है, इनकी मदद करिए, ये कुछ करना चाहते हैं। और हमने करीबन 42,000 लोगों की सूची पाई। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पार्टी में लंबे समय से साइडलाइन चल रहे हैं। बताया जाता है कि इसकी वजह से वो बीजेपी से नाराज हैं। उनकी नाराजगी अक्सर सामने आती रहती है। पिछले दिनों उन्होंने नेहरू के पक्ष में टिप्पणी की थी। इसके अलावा राहुल गांधी की तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर भी हमला बोला था, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस में उनके लिए दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया था। वो बीजेपी में है, शायद अगर वो यहां चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। बहरहाल, शिवपाल यादव के मौजूदा बयान से ये साबित हो गया है कि बीजेपी के बागी वरुण गांधी के लिए सपा के दरवाजे खुले हैं। अब देखने वाली बात ये है कि वरुण गांधी बीजेपी को छोड़कर कब सपा के अंदर खाने एंट्री करते हैं।